हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ एमी। जिस तरीके से मैं आपको इंग्लिश सिखा रहा हूँ, ये वही तरीका जिससे कोई बच्चा अपनी मदर लैंग्वेज सीखता है, देखकर सुनकर। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैं कलंक मूवीज़ के सारे सेंटेंसेस पार्ट बाय पार्ट लेकर आ रहा हूँ, जिसका ये पहला पार्ट। यहाँ पर सोनाक्षी सिन्हा वो बोल रही है, जानती हूँ मैं मरने वाली हूँ, आई नो आई एम डाइंग, आई नो आई एम डाइंग, कितना वक्त है मेरे पास। वो डॉक्टर से बोल रही हैं, हाउ मच टाइम डू आई हैव, हाउ मच टाइम डू आई हैव, इतना वक्त है सत्या, यू हैव इनफ टाइम सत्या, आपको उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए, यू शुड नॉट लूज होप, यू शुड नॉट लूज होप। मैंने आपको पहले बताया था, शुड का यूज़ वहाँ पर होता है जहाँ पर कोई एडवाइस दी जाती है, और ज़्यादातर चाहिए वर्ड वहाँ पर आता है, यानी कि आपको ये काम कर लेना चाहिए, वहाँ पर आपको शुड का यूज़ करना है। यहाँ पर डॉक्टर इनको एडवाइस दे रहे हैं, यू शुड नॉट लूज होप, उम्मीद सिर्फ इंतजार करवाती है, होप ओनली मेक्स यू वेट, होप ओनली मेक्स यू वेट, सच्चाई नहीं बदलती, इट डजेंट चेंज रियलिटी, इट डजेंट चेंज रियलिटी, कितना वक्त है मेरे पास, हाउ मच टाइम डू आई हैव, एक साल या दो शायद, यहाँ पर डॉक्टर बोल रहे हैं वन ईयर टू मे बी, वन ईयर टू मे बी, मे बी यानी कि शायद, बेटा इस हाल में तुम्हारे लिए सफ़र करना सही नहीं है, माई चाइल्ड इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू टू ट्रेवल इन दिस कंडीशन, माई चाइल्ड इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू टू ट्रेवल इन दिस कंडीशन, क्या मैं घर पर बैठी रहूँगी तो ठीक हो जाऊँगी, विल आई गेट बेटर सिटिंग एट होम, विल आई गेट बेटर सिटिंग एट होम, बेटा कुछ बातें इंसान के हाथ में नहीं होती, माई चाइल्ड Some things are not our control. Some things are not our control. हाथ में होना यानी कंट्रोल में होना। मरते हुए को अपने कर्म ठीक करने चाहिए। A dying person should fix their karma. A dying person should fix their karma. यहाँ पर भी should का यूज है, क्योंकि ये बता रही हैं कि मरते हुए को अपने कर्म ठीक करने चाहिए। तबीयत नहीं, not their health, not their health. जो मेरे हाथ में है, that is in my control. That is in my control. अगर ये काम अपने जीते जी नहीं कर पाई तो मरने के बाद भी पछताऊंगी। इफ आई डोंट डू दिस वाइल आई एम अलाइव आई विल रिग्रेट इट इवन आफ्टर आई एम डेड। इफ आई डोंट डू दिस वाइल आई एम अलाइव आई विल रिग्रेट इट इवन आफ्टर आई एम डेड। मुझे अपने पति के लिए करना होगा। आई विल हैव टू डू दिस फॉर माई हस्बैंड, आई विल हैव टू डू दिस फॉर माई हस्बैंड। मैंने आपको पहले ही बताया है कि विल हैव यानी कि ये काम मुझे करना ही पड़ेगा। जहाँ पर हैव टू का यूज़ होता है वहाँ पर मजबूरी दिखाई जाती है। जब किसी काम को आप मजबूर होकर करते हैं तो वहाँ पर आप हैव टू का यूज़ करते हैं। यहाँ पर बता रहे हैं कि मुझे फ्यूचर में ये काम करना पड़ेगा मजबूर होकर, तो बोल रहे हैं आई विल हैव टू डू दिस फॉर माई हस्बैंड। वो पतंग हाथ में आ ही नहीं रही थी, जस्ट कुडंट कैच दैट काइट, जस्ट कुडंट कैच दैट काइट, तुम अंदर जाओ, यू गो इनसाइड, यू गो इनसाइड, आप फिर आ गई। यहाँ पर आलिया भट्ट सोनाक्षी सिन्हा से बोल रहे हैं, यू हैव कम बैक अगेन, यू हैव कम बैक अगेन, आप तो कह नहीं पाएंगे पिताजी, फादर यू वॉन्ट बी एबल टू से इट, फादर यू वॉन्ट बी एबल टू से इट, मेहरबानी करके जाइए यहाँ से, आई बैग ऑफ यू प्लीज लीव, आई बैग ऑफ यू प्लीज लीव, मेहरबानी करना यानी कि मैं आपसे माफ़ी मांग रही, आई बेग ऑफ यू प्लीज लीव, मेहरबानी करके एक बार और मेरी विनती सुन लो रूप, आई बेग ऑफ यू प्लीज हियर मी आउट वन लास्ट टाइम रूप, आई बेग ऑफ यू प्लीज हियर मी आउट वन लास्ट टाइम रूप। रूप यानी कि आलिया भट्ट, देखे सत्या जी, लुक सत्या जी, लुक सत्या जी, जब आपके पिता ने हम पर वो सारे एहसान किए थे, वेन योर फादर हैड हेल्प्ड अस विथ हिज जनरोसिटी, वेन योर फादर हैड हेल्प्ड अस विथ हिज जनरोसिटी, हमें पता नहीं था एक दिन उनकी बेटी उनके एहसानों को ब्याज सहित वापस लेने आ पहुँचेगी। वी डिडेंट नो दैट वन डे हिज डॉटर वुड रिटर्न टू कलेक्ट हिज काइंडनेस एज डेट विथ इंटरेस्ट, वी डिडेंट नो दैट वन डे हिज डॉटर वुड रिटर्न टू कलेक्ट हिज काइंडनेस एज डेट विथ इंटरेस्ट, डी ई बी टी, इसको फ्रेंड डेट बोलते हैं, बी साइलेंट होता है, डेट यानी कि कर्ज। नेक्स्ट है, मैं ब्याज लेने नहीं आई हूँ रूप, आई हैवंट कम टू कलेक्ट इंटरेस्ट रूप, I haven't come to collect interest, बल्कि आपसे एक एहसान मांगने आए हैं। I have come to ask you for a favor. I have come to ask you for a favor. माफ़ी चाहती हूँ, I am sorry. यहाँ आलिया भट्ट बोल रही हैं, I am sorry. मैं आप पर यह एहसान नहीं कर सकती। I can't do this favor for you. I can't do this favor for you. मेरी आज़ादी बिकाऊ नहीं है। My freedom is not for sale. My freedom is not for sale. गलत समझ रही हैं आप मुझे, यू आर गेटिंग मी रॉन्ग, यू आर गेटिंग मी रॉन्ग, आप गलत समझ रही हैं मुझे। यहाँ आलिया भट्ट बोल रही हैं, या शायद मैं ही सही समझ रही हूँ, और परहैप्स आई एम द ओनली वन हु इज़ गेटिंग इट राइट, और परहैप्स, परहैप्स यानी कि शायद, आई एम द ओनली वन हु इज़ गेटिंग इट राइट। यहाँ पर सोनाक्षी सिन्हा बोल रही हैं, ऑल आई एम आस्किंग फॉर इज़ अ ईयर ऑफ योर लाइफ रूप, ऑल आई एम आस्किंग फॉर इज़ अ ईयर ऑफ योर लाइफ,
क्योंकि मेरी जिंदगी में सिर्फ एक साल बचा हुआ है। बिकॉज आई हैव ओनली अ ईयर टू लिव। एक बार ठंडे दिमाग से सोच लो बेटा, थिंक कामली अबाउट इट वंस माई चाइल्ड। यहाँ पर आलिया भट्ट के पिताजी उनसे बोल रहे हैं, एक बार ठंडे दिमाग से सोच लो बेटा, वो बस यही चाहती है, ऑल सी वॉन्ट्स इज कि एक साल के लिए तुम उन लोगों के साथ रहो, दैट यू लिव विथ हर एंड द फैमिली फॉर ए ईयर। इसमें क्या नुकसान हो सकता है, व्हाट्स द हार्म इन दैट। एक बार चली गई तो कभी लौट नहीं पाऊंगी पिताजी। वंस आई गो आई वॉन्ट बी एबल टू रिटर्न। सत्या अच्छी औरत है, सत्या इज़ ए गुड वुमेन। उन्होंने हमसे वादा किया है कि वो तुम्हारी बहनों का शादी होने तक ख्याल रखेंगी। सी हैज़ प्रोमिस्ड मी दैट सी विल लुक आफ्टर योर सिस्टर टिल दे गेट मैरिड। इसीलिए पढ़ा लिखा कर बड़ा किया था। यहाँ पर आलिया भट्ट बोल रहे हैं पिताजी से, इज़ दिस वाई यू रेज्ड मी विद एन एजुकेशन कि एक दिन सही दाम पर बेच पाओ मुझे, सो दैट यू कुड सेल मी एट ए फेयर प्राइस वन डे। कौन बाप अपनी बेटी को हुस्नाबाद जाके किसी अनजान घर में बगैर किसी रिश्ते के रहने पर मजबूर करता है। वॉट काइंड ऑफ फादर सेंड्स हिज डॉटर अलोन टू हुस्नाबाद एंड फोर्सेस हर टू लिव इन ए स्ट्रेंजर्स हाउस विथ नो रिलेशन टू देम। What kind of father sends his daughter alone to Husnabad and forces her to live in a stranger's house with no relation to them? अगर हम जिंदगी भर लोगों के घर जा जाकर शास्त्रीय संगीत सिखाएं ना, तब भी तुम्हारी और तुम्हारी दोनों बहनों की शादी नहीं करवा पाएंगे। Even if I go door to door to teach music all my life, I'll never be able to get you and your sister's married. Even if I go door to door to teach music all my life, I will never be able to get you and your sisters married. बड़ी बहन होने के नाते तुम्हारे ये फर्ज है। As the eldest sisters, this is your duty. हम जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं बेटा। I am not forcing you, my child. सत्या को हम बचपन से जानते हैं। I know Satya since her childhood. वो हमसे बेहतर तुम्हारा ख्याल रखेगी। She will take better care of you than us. बाकी फैसला तुम्हारे हाथ में है। The choice is yours. रुकिए, मैं चलूंगी आपके साथ। यहाँ पर आलिया भट्ट बोल रही है सोनाक्षी सिन्हा से, Wait, I will come with you. लेकिन मेरी एक शर्त है। But I have one condition. आपके पति को पहले मुझसे शादी करनी होगी। Your husband will have to marry me first. मैं उस घर में सिर्फ आपके पति की पत्नी बनकर आऊँगी। I'll enter that house only as your husband's wife. उसकी उपपत्नी बनकर नहीं, not as his mistress. रूप, मैं बस इतना चाहती हूँ कि जब तक मैं जिंदा हूँ, आप मेरे पति को बस जान लो, समझ लो। रूप, All that I want is that while I am alive, you get to know my husband, understand him. ताकि आपके गुजरने के बाद आपके पति मुझसे शादी कर लें। So that after you die, he should marry me. कैसी पत्नी है आप? What kind of a wife are you? और अगर एक पल के लिए मैं आपके इस पागलपन में शामिल हो भी जाऊं, यहाँ पर आलिया भट्ट बोले सोनाक्षी सिन्हा से, And if for a moment I agree to your madness, तो इसकी जमानत कौन लेगा कि आपके पति आपके गुजरने के बाद मुझसे शादी करेंगे? Who will guarantee that after your death your husband will marry me? किसी भी वजह से अगर उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया तो What if he throws me out of the house? फिर कहाँ जाऊँगी मैं? Where will I go then? क्या होगा मेरा? What will happen to me? ये सब जानने के बाद कौन अपनाएगा मुझे? ये सोचा है आपने? Who will accept me after that? Have you thought about it? मैं वादा करती हूँ, I promise you. जब आप जिंदा ही नहीं रहेंगी तो आपका वादा निभाएगा कौन? When you won't be alive, who will fulfill your promise?
तो फ्रेंड्स ये थे कलंक मूवीज़ के कुछ सेंटेंसेस। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे सेंटेंसेस लेकर आऊँगा। मैं आपको भी कहता हूँ कि मेरे हर वीडियो कम से कम आप 8 बार जरूर देखें, क्योंकि जब किसी चीज़ को आप 8 बार देख लेते हो तो आप उसे कभी नहीं भूलते। तो अगर आपको मेरा वीडियो यूज़फुल लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें।